रोहित शेट्टी इज मेड इन इंडिया, अब क्या बनाया है सर, मतलब क्या धमाका है। कुछ नहीं, नूडल्स है यार। सर नूडल्स के लिए कितना? बढ़ा ना जरा वॉल्यूम प्लीज। आ रहा है क्या? बस अभी आएगा। हाँ भी, हाँ देखो यार, घुमा फिरा के बात नहीं करते हम लोग। ने एक नूडल्स का, चिंग्स का, मेरा और रणवीर का कोलैबोरेशन रहा है 5 साल से। हमने एक पहले भी एक वीडियो बनाया था, ये एक और मतलब एक कमर्शियल कही है, इसे फिल्म कही है, वीडियो कही है, शॉर्ट फिल्म कही है, ये वो है, बट हमारे तरीके की है, आड़ी टेढ़ी है थोड़ी, सीधी सीधी है नहीं, बैको है। और एक पुराना एसोसिएशन और कोलैबोरेशन रहा है मेरा, रणवीर और चिंग्स का, तो वापस से एक बार फिर हम एक नई फिल्म लेके आ रहे हैं जो एक 5 मिनट की है, विच इज़ अ कमर्शियल एक्चुअली। इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, इसे कमर्शियल जैसे मेरी फिल्में होती कुछ भी कह सकते हैं, वैसे यही ये भी वही है। इसे आप ऐड भी कह सकते हैं, इसे आप शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं, इसे आप फिल्म भी कह सकते हैं, चिंग्स का कमर्शियल भी कह सकते हैं। क्राइटेरिया ये है कि इंजॉय करना चाहिए लोगों को, है ना, कि देख के मज़ा आना चाहिए। तो इसमें शायद, मुझे यकीन है, शायद नहीं कि आप लोगों को मज़ा आएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। मज़ा आ रहा है सर, BTS को देख के लोग दीवाने हो रहे हैं। और वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है सर ने, क्या तेरे को डर लग रहा है? उसके ऊपर से भी अभी पर्दा हटाएंगे, लेकिन उससे पहले सर डू दी ऑनर्स हो जाए सर। तो किसको बुलाऊं, रणवीर सिंह को बुलाऊं कि सिम्बा को बुलाऊं कि रणवीर सिंह को बुलाऊं? रणवीर सिंह को बुलाऊं आज, तो आइए भाई रणवीर सिंह। आपके 5 मिनट की फिल्म के लिए, मेरे लास्ट ट्रेलर लॉन्च के लिए इतनी पब्लिक नहीं थी सर, सच्ची। ये तो 5 मिनट की छोटी पिक्चर के लिए, वाह। नमस्कार, मेरा थोड़ा एक नॉस्टैल्जिक सवाल है, यू नो, एज फार एज आई कैन रिमेंबर माय चाइल्डहुड, सो द फर्स्ट इंट्रोडक्शन फॉर मी टू चाइनीज वाज ऑब्वियसली द देसी चाइनीज व्हिच वाज ऑन द स्ट्रीट, सो वाज इट द सेम फॉर यू? लाइक यस माय ब्रदर, एक्चुअली एक बांद्रा में एक जगह होती थी बहुत, yes. हिल रोड पे, yes. लियाउज करके, वो अभी बंद हो गया, okay. फिर लियाउज बंद हुआ तो जिम्मीज चालू हो गया उसके सामने, वो भी मैं खाता था। लेकिन HR कॉलेज में मैं जाता था, 11th एंड 12th किया मैंने, और वहाँ पे जो चाइनीज बनता, हाँ देख मैं, तू भी खाए ना, हाँ उधर उधर ये भाई साहब बहुत जाते, देखो चेहरा देखो कितना खिल उठा है, हाँ चाइनीज तो चाइनीज, वहाँ पे लड़कियों को भी ताड़ते, मालूम है मेरे को बेटा, सब मालूम है। तो HR कॉलेज में बहुत माइंड ब्लोइंग देसी चाइनीज मिलता था 30 रुपीज़ में, उसमें 1/2 भी कर सकते थे, 15 रुपीज़ दोनों भाई मिल बांट के खाते थे, और वो तब मेरा फेवरेट था, और अब चिंग्स के सारे प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट है, और खास करके शेजवान चटनी चटनी चटनी। हेलो, आपने खुद ने भी बनाने की कोशिश की थी इन दोस डेज? नहीं, मेरे डैडी बनाते अच्छा होममेड देसी चाइनीज, मैं तो अंडा बना लूँ तो बहुत बढ़िया था। कभी मौका मिलेगा तो हमारे घर आइए, मैं बनाता हूँ। आप चाइनीज बनाते हैं? देसी स्टाइल की। हाँ सर, अगर चिंग्स शेजवान चटनी मिला दें उसमें तो क्या बात। आई लव द शेजवान चिंग्स चटनी एंड दैट। ओह ब्रो, तालियां इस बार के लिए, तालियां। हेलो, इनको 2 हैम्पर देना, कहाँ है अनुआ? 2 हैम्पर। हेलो रणवीर, टुवर्ड्स योर राइट, हाय पूजा, यू फ्रॉम ऑसम टीवी। ऑसम टीवी, या खुद से बोल दिया। Ranveer and Rohit sir, you know, the short film, the ad film looks amazing, simply awesome. Ranveer, आपने तो कहा कि मैं omelette बना दूँ वही काफ़ी है, लेकिन कभी अपने हाथ से अपनी wife को, दीपिका को कुछ देसी बना के खिलाया है जिसको चखे उन्होंने कहा हो कि I love you Ranveer Singh, या उन्होंने ऐसा कुछ बनाया हो आपके लिए? देखो दीदी। दीदी मत बुलाओ रणवीर।
हम खाना नहीं पका सकते हैं, ये टैलेंट नहीं है, लेकिन काफी और टैलेंट है जिसको जिससे मैं अपनी वाइफ को इम्प्रेस करता हूँ. एंड आपको पता है शी इज़ एन अमेजिंग कुक. वो भी देसी चाइनीज़ बनाती हैं और मेरा फेवरेट है उनका फ्राइड प्रॉन. तो पैंडेमिक में वी गॉट टू लॉकडाउन में वी गॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. तभी मैंने ऐसे ही आते जाते बोल दिया था हाँ मैं अंडा बनाऊँगा तेरे लिए, वो सोशल मीडिया पर बोल दिया और तब